इन बदमाशों को डिटेन किया गया तथा इनकी निशानदेही पर रेलवे ट्रैक के किनारे से 6 अन्य गाड़ियां बरामद की गई हैं। इस प्रकार के कुल मिलाकर के 7 गाड़ियां, बाइकें, 6 बाइकें और एक स्कूटी बरामद की गई है। इन गाड़ियों के चेसिस नंबर मिटा करके इनके ऊपर पुरानी गाड़ियों के जो डिस्पोज ऑफ हो गई उनकी गाड़ियों के नंबर छाप करके नए कागज़ तैयार करके उनको बाजार में बेच देना। एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। किस तरह की चोरी को घटना को अंजाम देते थे और कैसे गिरफ्तारी की गई थी? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये SHO आशियाना और क्राइम टीम के संयुक्त प्रयास का नतीजा है जो ये गिरफ्तारी की गई है। इसमें मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ये जो आशियाना थाना क्षेत्र में इन मुलजिमों को रोकने का प्रयास किया गया, उसके बाद में जब इनको रोका गया तो इनके पास से तलाशी में एक तमंचा और एक चाकू मिला। इन बदमाशों को डिटेन किया गया तथा इनकी निशानदेही पर रेलवे ट्रैक के किनारे से 6 अन्य गाड़ियां बरामद की गई हैं। इस प्रकार के कुल मिलाकर के 7 गाड़ियां, बाइकें, 6 बाइकें और एक स्कूटी बरामद की गई है, जिसमें 4 बाइक्स डिफरेंट थाना क्षेत्र से कनेक्ट हुई हैं। इसमें एक बाइक सिधौली से चोरी की गई है, सीतापुर से, और 3 बाइक हमारे ज़िले में थाना वजीरगंज, हजरतगंज और मरियाबाद से चोरी की गई हैं। 6 में से 4 बाइकें अभी कनेक्ट हुई हैं। इसके अलावा 13 बैटरियां बरामद हुई हैं इनकी निशानदेही पर। ये बैटरी चोरी का भी काम करते हैं, जिसमें से एक अपराध जो है थाना आशियाना पे दर्ज है, जिसकी 2 बैटरी बरामद हुई हैं। इसके अलावा अन्य 11 बैटरियां और एक कबाड़ी जो पकड़ा गया है निसार, इसके कब्जे से बरामद हुई हैं। कुल मिलाकर के 3 बदमाश अभी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम है मनोज कुमार, ये ककोरी का रहने वाला है, और 2 अन्य साथी इसके बबलू और विपिन, ये बबलू फरार है अभी जो गैंग लीडर है, और विपिन गिरफ्तार हुआ है, तथा निसार जो कबाड़ी का काम करता है वो गिरफ्तार किया गया है। सर, गाड़ी क्या करते थे ये लोग चोरी करने के? देखिए, बेसिकली इनका काम है पुरानी गाड़ियों के कागज़ लेकर के इन गाड़ियों के चेसिस नंबर मिटा करके इनके ऊपर पुरानी गाड़ियों के जो डिस्पोज ऑफ हो गई उनकी गाड़ियों के नंबर छाप करके नए कागज़ तैयार करके उनको बाजार में बेच देना। आरटीओ को भी कर्मचारी की शामिल है नए कागजों में? नहीं, उसके लिए किसी आरटीओ कर्मचारी की शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हमारी जानकारी में अभी आया है, ये जो गाड़ियाँ डिस्पोज हो जाती हैं, जो कबाड़ी के यहाँ पे कटने के लिए चली जाती हैं, उनके कागज़ ये प्रिक्योर करते हैं, इन चोरी गाड़ियों पर उन कागज़ लगाते हैं और उनके नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर चेंज कराते हैं और उनको आगे बेचते हैं। ये गाड़ियाँ कब चोरी हुई थी ये ट्रैक कर लिया गया है? अभी क्या उन वाहन स्वामियों से संपर्क किया गया है कि कब चोरी हुई थी, कैसे चोरी की गई थी इनके द्वारा? देखिए, मैंने जैसे बताया आपको, 4 गाड़ियाँ अभी 6 बाइक्स बरामद हुई हैं, उनमें से 4 बाइक्स कनेक्ट हुई हैं, उनके आईओस को, थानों को संपर्क कर लिया गया है, उनके ओनर्स को संपर्क कर लिया गया है, जो अपनी गाड़ियाँ लेंगे, रिकवर कराएंगे, अपने न्यायालय से रिलीज कराएंगे। बाकी 2 गाड़ियाँ और एक स्कूटी अभी शेष है, जिसको हम कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये भी प्रयास है कि हम ये देखें कि ये नंबर की गाड़ियाँ किसी अन्य अपराध में तो इस्तेमाल नहीं हुई है, अभी इस पर भी हम प्रूव कर रहे हैं। क्या कुछ और भी मुकदमे के खिलाफ दर्ज हुए हैं? कितनी गाड़ी बेच चुके हैं लोग? ये एक्चुअल में अगर बताना चाहूँ तो ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट ग्रोह है एक तरीके से, जो अभी हमारे संज्ञान में आया है। इस बात पे भी हम प्रूव कर रहे हैं कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट की बजाय इंटर स्टेट तो नहीं है, क्योंकि इनका जो गैंग लीडर है बबलू नाम का, जो ककोरी का रहने वाला है, वो अभी यहाँ से काम करने के पश्चात दिल्ली चला गया है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि ये अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी में गाड़ियाँ चोरी करने के साथ अन्य स्टेट में भी गाड़ियाँ चोरी करते हैं, तो ये एक बड़ा गैंग है जिस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। पूछताछ में कुछ इनपुट मिला है क्या कि अलग अलग राज्यों में इस तरह से कुछ घटनाएं कारित कर चुके हैं? पूछताछ तो हुई? देखिए, जो मेन गैंग लीडर है वो बबलू है, जो इनको सबको इंटीग्रेट करके वारदात कारित कराता है, तो अभी उसको नैप डाउन करेंगे हम लोग, तो हम इस तथ्य पर प्रकाश डाल पाएंगे। कुछ इनपुट मिले हैं बबलू? जी हाँ, जी हाँ। सर, इन तीनों का कुछ आपराधिक इतिहास इससे पहले का? हाँ, ये आपराधिक इतिहास ही तो बता रहा हूँ मैं आपको।
जो गाड़ियां जो बरामद हुई हैं वो अलग अलग जिले से अलग अलग समय के वारदात कार्य की गई हैं। अभी 7 गाड़ियां मिली हैं हमको, और इसके अलावा चूँकि ये अच्छे चोर हैं, 13 बैटरीज इन्होंने चोरी की एक जगह बेची हुई थी, वहाँ से रिकवर की गई हैं जो सोलर बैटरीज हैं। ई रिक्शा की बैटरियों को ये कैसे चोरी करते थे, कहाँ, क्या किसी गैराज को भी निशाना बनाते थे या रेकी करते थे, कुछ इस तरह का भी रहा है क्या? देखिए, अभी हम उनको कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी इनसे पूछताछ जारी है, ये अभी गिरफ्तार हुए हैं। ये बैटरी जो 2 बैटरीज थी वो कनेक्ट हुई हैं थाना आशियाना के यहाँ से, और बाकी बैटरीज को भी कनेक्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्या पढ़े लिखे, क्या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो चोर नहीं है, ग्रेजुएटेड, एक ग्रेजुएट है इसमें, बाकी तो नॉर्मल है। नहीं, फायरिंग नहीं कर पाए, उससे पहले ही नैप डाउन कर लिया। एक्चुअल में जो इनका गैंग लीडर है वो दिल्ली में है, वो ये सारे मिलकर के साझा काम करते हैं। ये गाड़ियाँ इन्होंने एक जगह इकट्ठी की हुई थी, जहाँ से ये एक एक करके पेपर लगा करके बेचते हैं। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।